Hey guys, what is up? Welcome back to another video. My name is Eknoor Singh and I'm a student of IIT Bombay, a third year undergraduate here. And recently I made a video talking about why I did 4 internships in my first 2 years of IIT Bombay. Well, that video was liked by a lot of you and a lot of people reached out to me. A lot of people in the college stopped me and asked me how I got those internships or perhaps what are the ways in which you can get internships in your college life, especially your first internships, starting ki kuch internships. Ye mushkil hota hai yaar usually janna. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले होंगे कि ऐसी कौन सी तरीके होते हैं जिससे आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती है इजीली, एंड दीज आर द वेज विच आई हैव फॉलोड थ्रू आउट माय 2 years ऑफ आईआईटी बॉम्बे. एंड दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय एनीबडी. यू डू नॉट हैव टू बी फ्रॉम आईआईटीज, यू डू नॉट हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन सम स्किल्स एक्स वाई जेड. ये किसी के लिए भी यूजफुल है. तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दैट वीडियो. होपफुली दिस विल आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड इफ यू वांट टू कीप रिसीविंग अपडेट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट इंटर्नशिप्स. You want to see some college vlogs and और भी बहुत सारा कुछ आता रहता है यार चैनल पे. So make sure you are subscribed, like करना वीडियो को if this helped you out. Let's quickly get started with the video. All right, let us quickly get started with the video. मेरे को before I jump into how you get those internships, एक छोटा सा disclaimer सबको देना है कि guys you should pre-plan before applying for internships. And वो pre-planning phase में यार basically ऐसी चीजें आती हैं कि आपको क्या exactly explore करना है, क्यों आपको वो चीज़ करनी है, क्यों आप उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एंड क्या वो आपके स्किल सेट में कॉम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा. बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस इफ यू आर डूइंग स्टफ दैट फर्स्टली यू डू नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन, या दूसरा विच इज नॉट वॉट योर अल्टीमेट गोल इज. ऑफकोर्स इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर स्टफ, तो आई वुड रिकमेंड कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जानने की कोशिश करो कैसी होती हैं. मेरे केस में भी मैंने बहुत वैरायटी ऑफ जगहों पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था. दैट्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर अ लॉट of fields. And if you're a newbie in this sphere, zarur apply karo yaar bahut sari jagahon pe, but be sure what you really want from this internship. Kya tum seekhna chahte ho isse, kya tumhara goal hai is internship ke bare mein, because that will also help you in stating us email mein ki kya kya important hai and why you want that internship. That being said, let's quickly jump into the ways in which you can get these internships. All right, so the first way which I'm going to talk about is online websites. Aisi do websites ke bare mein baat karne wala hu, aur bhi bahut sari websites hoti hai online में आप जान सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटर्नशाला. इंटर्नशाला को आप यहां पे देख सकते हो यार. यू कैन सी कितने डिटेल तरीके से इंटर्नशाला में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अलॉटेड है वर्क. एंड देर आर अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स ओपन फॉर न्यू बीज एज वेल, एकदम फ्रेशर्स के लिए भी. सो अ लॉट ऑफ पीपल इन माई कॉलेज एंड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉलेजेस कीप अप्लाइंग फॉर दिस. एंड दूसरी है यार लेट्स इंटर्न. ठीक है, लेट्स इंटर्न भी एक सिमिलर सा प्लेटफॉर्म है, आप यहां पे देख सकते हो. दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये दोनों वेबसाइट्स ही बहुत पॉपुलर है एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज देम. एक छोटा सा डिस्क्लेमर इसका ये दूंगा यार कि इंटर्नशाला एंड लेट्स इंटर्न पे यूजुअली रेज्यूमेस वगैरह आपको ज्यादा सबमिट करने पड़ते हैं. सो दैट्स रियली नॉट फॉर आई गेस समबडी जो अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप उठाना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपेटिटिव है वो. बट गुड क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं. एंड इफ यू आर इन योर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यू कैन डेफिनेटली गो चेक दैट आउट. एंड वहां से बहुत सारी इंटर्नशिप्स आप उठा सकते हो इन द स्फीयर यू वांट टू वर्क इन. सारे स्फीयर्स की इंटर्नशिप्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं इन वेबसाइट्स पे. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं यार. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मेथड्स ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप्स इज कोल्ड ईमेलिंग. That's right. बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं इस टर्म को सुन के, या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमेशा हर जगह मेंशनड होती है. बट द पावर ऑफ कोल्ड मेलिंग इज सच दैट आई हैव सीन मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स गेटिंग इंटर्नशिप्स थ्रू कोल्ड मेलिंग. कोल्ड मेलिंग क्या होता है? कोल्ड मेलिंग इज बेसिकली जाओ अपनी ड्रीम कंपनी या जिस कंपनी में आपको काम करना है, आपको जैसे ही उसके बारे में पता चला उसकी वेबसाइट पर जाओ, जानो उसके फाउंडर्स कौन है, उसके HR कौन है, प्लेसमेंट पीपल कौन है, उनको सर्च करो इंटरनेट पे, नाम लिखो, कंपनी का नाम लिखो, जितने ईमेल आईडीज आपको उस कंपनी के बारे में मिल रहे हैं, उस कंपनी के ईमेल आईडीज मिल रहे हैं @thatcompany या इवन जीमेल आईडीज अगर मिल रहे हैं, उन सब ईमेल आईडीज पे अपना लेटर ऑफ इंटेंट यानी आपका पर्पस, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस, एंड अपना रेज्यूमे या फिर कुछ बेसिक स्किल सेट जो आप यूज कर सकते हो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो और इन ईमेल्स में डाल सकते हो. हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल्स, किस तरीके से रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, इन सब पे वीडियोस बहुत जल्दी आ रही होंगी चैनल पे. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट. बट दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप्स इफ यू आर इन योर फर्स्ट
सेकंड थर्ड फोर्थ और एनी ईयर ऑफ कॉलेज एज वेल। स्कूल में भी ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काम करता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार तुम शायद स्टार्ट में डालोगे ईमेल नहीं आएगा रिप्लाई, डालते रहोगे कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी से रिप्लाई आएगा एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग इन सच इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं यार। नेक्स्ट इज माई मोस्ट फेवरेट वे ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप्स, टॉकिंग टू पीपल, कनेक्टिंग, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लिंक्डइन। आई हैव अ लिंक्डइन पेज जहां पे मैं बहुत रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट्स रेलेवेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हो। बट पर्पस इस वीडियो का है बताना आपको कि लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया सोर्स है यार रीच आउट करने का लोगों के लिए। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग अगर एग्जिस्ट करती है तो वो लिंक्डइन की वजह से करती है। अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर वेरी एक्टिव एवरी डे ऑन लिंक्डइन। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी व्हाई एवरी स्टूडेंट शुड बी ऑन लिंक्डइन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर अकाउंट फर्स्टली। ज्यादा से ज्यादा उसमें कॉन्टैक्ट कनेक्शन लेके आओ ताकि लेजिटिमेट लगे आपकी प्रोफाइल और एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर पाओ। इफ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल के थ्रू वॉक थ्रू करूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट येस, दैट बींग सेड, रीच आउट टू पीपल थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, तुम्हें पोस्ट एक तरीका है लिंक्डइन पे, यू कैन ऑब्वियसली पुट आउट पोस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि आई एम सो एंड सो फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट ऑन दैट, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, और वो काफी ब्लो अप कर जाती है एट टाइम्स। सो लोग पोस्ट लिखते हैं। इन द कोविड सिचुएशन ये पोस्ट बहुत बेनिफिशियल रही थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल लिटरली गॉट थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इफ नॉट अ फ्यू मोर, जब उन्होंने ऐसी पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन पे। ठीक है, तो दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप्स, पोस्ट ऑन लिंक्डइन। सेकंड इज यार मैसेजिंग ऑन लिंक्डइन। मैसेज भी कर सकते हो आप लिंक्डइन पे किसी को भी, जिसको भी आप जानते हो उसका नाम जानते हो, या इवन कंपनी के थ्रू आप सर्च कर सकते हो इस कंपनी इस रीजन में कौन कौन काम करता है, ड्रॉप अ मैसेज डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन, दैट वर्क्स आउट वेरी वेल टू। तीसरा तरीका लिंक्डइन का ही इज एक्चुअली लिंक्डइन जॉब्स। सो लिंक्डइन जॉब्स इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप फॉर पीपल ऑन लिंक्डइन, एंड ये इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंटर्नशिप्स भी खुलती है लिंक्डइन जॉब्स पे। सो यू कैन ऑब्वियसली गो चेक दैट आउट। लिंक्डइन जॉब्स भी बहुत इजीली बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप दिला देती है। दैट्स अबाउट लिंक्डइन गाइस। लिंक्डइन में ही तीन तरीके हैं, दैट्स व्हाई लिंक्डइन इज माय फेवरेट। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन लिंक्डइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिशंस। अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर कॉलेजेस हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस हैपनिंग। मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस आल्सो जहां पे ऐसे कॉम्पिटिशंस होते हैं जिनके रिजल्ट्स या प्राइजेस में एक्चुअली कुछ मंथ्स की इंटर्नशिप होती है एज अ प्राइज। ठीक है, सो पार्टिसिपेट इन एज मेनी कॉम्पिटिशंस एज यू कैन जो इस तरीके के होते हैं, बिकॉज यू एंड अप नॉट ओनली रिफाइनिंग योर स्किल्स बट ऑल्सो लैंडिंग अ जॉब। सो लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट जो कॉलेज में होते हैं एंड दे गेट देयर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो दैट्स कॉम्पिटिशंस कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवरेजिंग एलुमनाई सर्कल्स। अब एलुमनाई सर्कल्स आर बेसिकली वो लोग जो आपके कॉलेज से ही प्रमोट हुए हैं। ये लोग सबसे यूजफुल होंगे आपको इंटर्नशिप दिलाने के लिए, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली बीन थ्रू योर एंटायर प्रोसेस। दे नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू डेवलप, दे नो योर स्ट्रगल, योर स्टोरी, एंड दीज आर द मोस्ट हैप्पी पीपल व्हेन दे हैव पीपल फ्रॉम देयर अल्मा मैटर जॉइनिंग देम। उनके कॉलेज के लोग जब उनको ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट स्कूल के भी लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो, अगेन लिंक्डइन पे, या अगर आपके पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं स्कूल कॉलेज दोनों के एलुमनाई के थ्रू आप लगवा सकते हो इंटर्नशिप्स। एंड अगेन दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज पीपल ऑन कैंपस गेट इंटर्नशिप्स। बहुत छोटा सा एनेक्डोट है, लेकिन देयर वाज एन इवेंट हैपनिंग कैंपस पे एंड वो इवेंट था भी नहीं इंटर्नशिप्स रिलेटेड, बट सम पीपल जस्ट एंडेड अप टॉकिंग टू समबडी हु इज इन अ स्टार्टअप एंड उस बंदे ने बोला ऐसा करो तुम तीनों आ जाओ कल से मेरे स्टार्टअप ज्वाइन कर लो एज इंटर्न। दैट हैपेंस, सो ट्राई टू इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन। कनेक्शंस बनाना हमेशा बहुत यूजफुल होता है एंड दैट्स हाउ यूजिंग एलुमनाई सर्कल्स यू कैन गेट योर इंटर्नशिप। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज ऑफ कोर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके लिए थोड़ा सा स्टिग्मा अटैच्ड है इसके बारे में। अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार फैमिली से कहां मांगने जाएंगे या फ्रेंड्स से कहां मांगने जाएंगे या उस इंटर्न की कहां इतनी वैल्यू होती है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल गाइस, दैट्स ऑल इन हियर, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल एंड दे गेट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप्स थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अपने मतलब स्किल के बेसिस पे अगर आप इंटर्नशिप मांग रहे हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, एंड इवन अगर वो भी स्किल के बेसिस पे नहीं है, आप अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मांग रहे हो उनसे बेसिकली। सो वी कैन वर्क हार्ड एंड प्रूव आवरसेल्फ्स देयर इन दैट इंटर्नशिप। तो घबराओ मत एंड इस चीज को इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज मत करो। इट्स कंप्लीटली फाइन टू आस्क फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर इंटर्नशिप्स, एंड वो यूजुअली फर्स्ट फ्यू इंटर्न्स में जरूरत होती है। उसके बाद तो वंस यू गेट दैट वर्क एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पीपल विल बी रेडी टू गिव यू इंटर्नशिप्स एंड आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो थ्रू द बिफोर सेड तरीके।
50K to get internships. Okay? And finally, coming to the final point which people use a lot to get internships is on-campus internships. You have to keep your eyes open, keep your opportunities open because a lot of times campus pe bahut sari internship opportunities aati hai. Campus ka cell proper hota hai, placement cell, internship cell, jo bhi aapke campus mein usko bolte hain. But that also opens up a lot of opportunities. Hamare college mein IIT Bombay mein internships milna second year se start hoti hai. So one of those four internships I got through the placement cell. Ek recently I got through a placement cell. Ek internship opportunity aur mere ko campus se mili thi, but again wo on campus bhale hi hai, wo placement cell ke through nahi thi. So the point being, you should keep your eyes and ears open for all kinds of opportunities opening up. Ek club ke through, ek event mein I got an opportunity to work in a Web3 intern, and that's the t-shirt I'm wearing for this video. I'll talk more about that. Again, let me know in the comments if you want a video on that. But on campus internships is again a very good source to get your first internship or even following internship, and sometimes it ends up paying you well too. So hopefully that was insightful. These are the ways in which you can get an internship. First internship or second internship or jo bhi internship ho, ye kuch tarike hain. I'm sure this is pretty exhaustive. These are the ways people get internships in their college life and even beyond and before. Finally, ek choti si tip dunga ki jab bhi aap aisi internships kar rahe ho, analyze karo, feedback ko acche se lo, and thoda sa socho rukke ki kaisi rahi internship. Is this a sphere or industry you are looking forward to working in, or is it time to move on? Because internships hoti isiliye. Internships is not about jahan chale gaye ab usi mein jana hai tumhe kyunki work ek us industry ka. Internships is actually about exploring and even eliminating stuff ki haan yaar ye to nahi karna mujhe, ya fir ye cheez ke liye shayad main nahi banaun, mera skill set kisi aur cheez ke liye hai jahan pe main zyada acche se contribute kar paunga. Theek hai, that being said guys, thank you so much for watching this video. Hopefully this was insightful. I'll be back with more such content. Stay safe, stay healthy, and machate raho guys. I'm stable, oh yeah.